नमस्कार, मैं थाने कमिश्नर जी और डीसीपी योगेश चव्हाण जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि 26 अक्टूबर के दिन इंफॉर्मर के जरिए जो इनको इन्फॉर्मेशन मिली उसके तहत इन्होंने सुबह सुबह गुटके का बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा है। इब्राहिम शेख जो काफी दिनों से एक फरार मुजरिम था, फरार आरोपी है, उसको पकड़ने में भिवंडी पुलिस निजामपुरा की सक्सेस हुई है। आज उन्होंने डीसीपी साहब की टीम के साथ में मिलके बहुत अच्छा काम किया है। बड़े बड़े आरोपियों का भी इसमें नाम है, जैसे कि गुलजार शेख जितना जहां पे भी इब्राहिम शेख का नाम है वहां पे गुलजार शेख का भी नाम है और वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन मैं हमारे आदरणीय डीसीपी साहब को एक विनती करती हूं कि जो इंफॉर्मर है उसके साथ अगर गलत होता है तो उसकी न्याय की अपील भी हम आपसे ही करेंगे। आज पुलिस स्टेशन में बैठे बैठे किसी को भी इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है। जो लोग नशा मुक्त महाराष्ट्र की मुहिम के लिए हमें इंफॉर्मेशन देते हैं तो उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी हमारे सर पे ही है। और अगर चंद ऑफिसर अगर आरोपियों के साथ मिलके इंफॉर्मर का नाम भी आरोपी की लिस्ट में अगर डालते हैं तो उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे डैशिंग डीसीपी योगेश चव्हाण जी से मुझे यही उम्मीद है कि वो निष्पक्ष जांच करके उन्हें न्याय देंगे और ऐसा क्या हुआ इसकी भी जांच करेंगे कि तीसरे वारंट में जो इंफॉर्मर लो है उनके नाम आ रहे हैं, ना अभी तक कोई आरोपी बड़ा है। गुलजार शेख इनकी पहुंच के बाहर हो चुका है, वो फरार है और ये जो इब्राहिम शेख मिला हुआ है उसके ऊपर कितने पुलिस स्टेशनों में केस है इसकी इन्वेस्टिगेशन छोड़ के इंफॉर्मर का नाम वो वारंट में डाल रहे हैं। और मुझे डीसीपी साहब से पूरा भरोसा है कि आप इस केस की निष्पक्ष जांच करके इंफॉर्मर को सही न्याय दिलाएंगे। और आज भी मेरी नशे के व्यापार करने वालों से वापस से मैं चेतावनी दे रही हूं कि या तो आप नशे का व्यापार बंद कर दो या फिर महाराष्ट्र छोड़ दो, नहीं तो चुकीला माफिया जी बात नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।